महाराष्ट्र से बाबा सिद्दीकी को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में नक्सल कनेक्शन अब सामने आया है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में नक्सल कनेक्शन सामने आया है, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ था और अभी भी जांच लगातार जारी है और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अब नक्सल कनेक्शन सामने आया है। यह एक बड़ा खुलासा हुआ है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में और खुलासा यह है कि हत्याकांड में नक्सल कनेक्शन सामने आया है। जो मर्डर के 3 आरोपी हैं वो मर्डर करने से पहले झारखंड गए थे, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। तो आप देखिए, सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड के 3 आरोपी झारखंड के नक्सली इलाके में फायरिंग की प्रैक्टिस करने गए थे। हमारे संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में नक्सल कनेक्शन सामने आ रहा है, मुंबई पुलिस की जो टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्या जानकारी सामने आ रही, क्या ये तीनों नक्सलियों के संपर्क में थे, प्रैक्टिस करने गए थे फायरिंग की? विशाल, देखिए, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम को जांच के दौरान बेहद चौंकाने वाली बात पता चली है। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में 2 नई गिरफ्तारियां हुई हैं, गौरव अपने और रुपेश नाम के व्यक्ति की। जब गौरव और रुपेश से पूछताछ की गई तो बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई। इन्होंने कबूल किया कि ये तीनों, गौरव, रुपेश और शुभम लोनकर, जो कि शुभम लोनकर अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, फरार है, ये तीनों झारखंड गए हुए थे और झारखंड के एक नक्सली इलाके में जाकर इन्होंने फायरिंग की प्रैक्टिस की थी। नक्सलियों के बीच में उन्होंने फायरिंग की प्रैक्टिस की थी और फायरिंग किसी सामान्य गन से नहीं की थी, AK-47 से की थी। इन लोगों को किसी ने AK-47 प्रोवाइड कराया था और AK-47 से नक्सली बेल्ट में, नक्सली इलाके में इन्होंने फायरिंग की प्रैक्टिस की थी और ये कहीं ना कहीं अब चौंकाने वाली बात सामने आई है। वैसे पर जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो नक्सल एंगल को एक्सप्लोर कर रही है, लेकिन कितनी बड़ी चिंता की बात है कि लगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ये अब तक इस प्रकार से काम करता है अंडरवर्ल्ड की तरह, लेकिन अगर नक्सलियों से भी इस प्रकार के कनेक्शन है तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है और इस विषय को बहुत गंभीरता से क्राइम ब्रांच ले रही है। इसीलिए आगे आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये वास्तव में बहुत बड़ी खबर है कि क्या नक्सल कनेक्शन है इसके पीछे।